देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। SBI ने एक साल से अधिक और दो साल से कम की अवधि की FD पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आज काम की खबर में जानेंगे SBI ने क्या कुछ किया है बदलाव और क्या आपको होगा इससे फायदा। इसके अलावा जानेंगे HDFC और कोटक महिंद्रा की FD पर ब्याज दरें भी। शुरुआत SBI से ही करते हैं। जानकारी के अनुसार बैंक ने एक साल से अधिक और दो साल से कम अवधि की FD पर ब्याज की दर को 5% से बढ़ाकर 5.10% कर दिया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर 5.50% से बढ़ाकर 5.60% हो गई है। नई ब्याज दरें 15 जनवरी से लागू हो गई हैं। ब्याज की ये दरें 2 करोड़ रुपए की FD से कम के लिए है। SBI ने अन्य अवधि की FD की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। SBI 5 से 10 साल की अवधि के FD पर सबसे ज्यादा ब्याज यानी 5.40% दे रहा है। इस अवधि के लिए बैंक सीनियर सिटीजन्स को 6.20% की दर से ब्याज की पेशकश करता है। वहीं अगर इस बदलाव के बाद नई ब्याज दरों पर अलग अलग अवधि के हिसाब से नजर डालें तो एक साल से लेकर दो साल से कम अवधि के लिए नई ब्याज दरें 5.10% हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.60% दर है। वहीं दो साल से लेकर तीन साल से कम अवधि के लिए नई ब्याज दर 5.10% है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.60% है। तीन साल से लेकर पांच साल से कम अवधि के लिए 5.30% नई ब्याज दर है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.80% है। वहीं 5 से लेकर 10 साल के लिए नई ब्याज दर 5.40% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये दर 6.20% है। वहीं अगर बात की जाए HDFC और कोटक महिंद्रा की तो इनकी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है। दरों में बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की रकम पर ही किया गया है। दोनों ही बैंक की नई दरें लागू हो गई हैं। HDFC बैंक की FD पर कितना ब्याज मिलेगा अगर इस पर बात करें तो एक साल की अवधि पर ब्याज दर 4.90% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए दर 5.40% है। एक साल एक दिन से लेकर दो साल के लिए ब्याज दर 5% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.50% है। वहीं दो साल एक दिन से लेकर तीन साल की अवधि के लिए नई ब्याज दर 5.20% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.70% है। तीन साल एक दिन से लेकर पांच साल की अवधि के लिए नई ब्याज दर 5.40% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.90% है। इसके अलावा 5 साल एक दिन से लेकर 10 साल की अवधि के लिए ब्याज दर 5.60% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ब्याज दर 6.35% है। ऐसा ही कुछ आपको कोटक महिंद्रा बैंक की ब्याज दरों में भी देखने को मिलेगा। जैसे 23 महीने एक दिन से लेकर 2 साल से कम के लिए ब्याज दर 5.10% है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए दर 5.60% है। 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए 5.15% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.65% है। इसके अलावा 3 साल से लेकर 10 साल तक के लिए ब्याज दर 5.30% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए दर 5.80% है। यानी अब आपको आपके पैसे पर ब्याज ज्यादा मिलेगा।